फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक फ्रील वाला एक इवनिंग गाउन आप कह सकते हैं बनाना सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो उसके लिए मैंने ये जॉर्जेट का फैब्रिक लिया एंड टोटल फैब्रिक का जो है वो 4.5 मीटर है। सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड फैब्रिक लिया है। ये जॉर्जेट फैब्रिक है तो इसमें अस्तर डालना ही पड़ेगा, तो वो उसकी कटिंग मैं अलग से बताऊँगी आप लोगों को किस तरह करनी है। तो सबसे पहले इसकी लेंथ आप देख सकते हो कि यहाँ पर 15.5 इंच है, ठीक है। हाफ इंच हमारा इधर उधर मार्जिन में और स्टिचिंग में चला जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर का हाफ में ले रहे हो, मेरा शोल्डर है 14 इंच, उसका हाफ मैंने लिया है यहाँ पर 7 इंच, ठीक है। तो 7 इंच पर एक निशान लगाया। उसके बाद हम यहाँ से नीचे की तरफ आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल भी मेरा 14 इंच है, उसका हाफ मैं लूँगी यहाँ पर 7 इंच, ठीक है। तो 7 इंच पर एक निशान इस तरह से लगने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बना देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट का 1/4 लेंगे यहाँ पर। तो हमारी चेस्ट का 1/4 है, यानी कि हमारे चेस्ट का साइज़ है 34 इंच, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 34 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आता है 8.5 इंच, ठीक है। तो 8.5 इंच हम निशान लगाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमने 8.5 इंच पर एक निशान लगाया। सबसे पहले तो हम एक निशान यहाँ पर लगाएंगे 8.5 इंच पर, और फिर यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच या 1.5 इंच, आप कह सकते हैं जितना चाहिए आपको उतना मार्जिन आप यहाँ पर रख सकते हैं। मैंने ये टोटल जितना है, यानी कि 2 मीटर था, तो ये मैंने पूरा ही 2 मीटर यहाँ पर इस तरह से ले लिया। अब हम नीचे की तरफ वेस्ट मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट का पूरा राउंड है हमारा 30 इंच, उसे भी हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 7.5 इंच, ठीक है। 7.5 पे एक निशान लगाया, फिर हमने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन का भी एक निशान लगाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर नीचे तक इस तरह से क्रॉस लाइन लगा देंगे ताकि हमें कटिंग करने में आसानी हो सके, और ये वाली जो होगी वो हमारी फिटिंग की लाइन होगी इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे हमारा आर्म होल रहता है राउंड शेप में, वैसा राउंड शेप हम यहाँ पर दे देंगे। तो हमने इस तरह से आर्म होल भी ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम करेंगे नेक की मार्किंग। तो नेक की विड्थ जो होगी वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2.5 इंच, आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा रख सकते हैं। मैक्सिमम आप 3 इंच तक भी ले सकते हैं अगर आपको डीप नेक चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2.5 इंच और इसकी लेंथ ली है मैंने 6 इंच, और मेरा फ्रंट एंड बैक दोनों में एक ही साथ में कट करूँगी और राउंड नेक ही रखूँगी दोनों साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से एक बॉक्स बना लिया स्क्वायर साइज़ का, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए इसी तरह से सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे कंधे का तिरछापन होता है उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंच के मार्जिन से एक तिरछी लाइन यहाँ पर लगा देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यहाँ से लेकर नेक, फिर शोल्डर, फिर आर्म होल एंड देन नीचे तक इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस तरह से कट कर लिया है, हमारे 2 पार्ट्स निकल आए हैं। लाइनिंग का फैब्रिक आपको सेम इसी तरह से कट कर लेना है दोनों पार्ट्स में। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमारी बलून टाइप की स्लीव्स है, तो इसलिए मैंने इसे भी 4 फोल्ड फैब्रिक में इस तरह से ले लिया है, ठीक है। ये फोल्डेड साइड है जो कि मेरी तरफ है। इस साइड हम क्या करेंगे, हमारा आर्म होल लेंगे। तो जितना भी हमारा आर्म होल है उसका हाफ हमने लिया है 7.5 इंच, और प्लस हम यहाँ पर भी मार्जिन लेंगे 2 इंच का, ठीक है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, बलून स्लीव्स है तो इस तरह से यहाँ पर जो विड्थ आएगी, जितनी भी विड्थ होगी वो पूरी लेंगी, क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर इलास्टिक लगाने वाले हैं तो फूल जाएगा वो इस वजह से। तो इस वाले कॉर्नर से हम क्या करेंगे, पूरा ये यहाँ तक इस तरह से एक क्रॉस लाइन लगा देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा क्रॉस हो गया है, मैं बाद में इसे कटिंग करते हुए ठीक से कर दूँगी। तो इस तरह से हमने क्रॉस लाइन लगा दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले कॉर्नर से 2 इंच या 2.5 इंच नीचे की तरफ एक मार्क करेंगे। मैंने 2.5 इंच के नीचे की तरफ एक मार्क कर दिया, एंड यहाँ से भी 2 इंच नीचे की तरफ एक और मार्क करना है, एंड यहाँ पर इस तरह से एक लाइन बना देना है। फिर जैसा हमारा स्लीव्स का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर दे देंगे राउंड में, थोड़ा सा हल्का यस राउंड में, ठीक है। तो इस तरह से हमें शेप के अकॉर्डिंगली यहाँ से लेकर नीचे तक इसकी कटिंग कर लेना है। तो स्लीव्स में तो हम आस्तीन नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि ये बलून स्लीव्स है। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। ये दिखने में अजीब दिख रहा होगा बट बनने के बाद ये बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा। अब हम लेते हैं नीचे वाले लेयर, ठीक है। हमारे टोटल 4 लेयर होंगे यहाँ पर नीचे वाले। एक साइड में हमने पीको करवाया है एंड दूसरी साइड हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड करके स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने टोटल 4 लेयर लिए हैं। उसके मेजरमेंट सबसे पहले आप लोग ध्यान में दीजिएगा अपनी लेंथ के अकॉर्डिंगली। ये 6.5 इंच का है, दूसरा वाला लेयर जो है वो 9.5 इंच का है, ठीक है। एंड तीसरा वाला जो लेयर है हमारा 12.5 इंच का है,
ठीक है, तो सॉरी 11.5 इंच का है। और चौथा जो हमारा लास्ट वाला लेयर है, जिसे हमने दोनों साइड पीको करवाया है, आप लोग देख सकते हैं दोनों साइड हमने इसे पीको करवाया, क्योंकि इसका एक बॉटम पार्ट भी आएगा इस वजह से। तो इसकी टोटल लेंथ है 13 इंचेस। ठीक है, इस तरह से मैंने चार लेयर लिए हैं चार साइज़ के। अब हम स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले अपर पार्ट की, तो हमने लाइनिंग का फैब्रिक कट कर लिया। ये हमारा ऊपर वाला फैब्रिक है, मेन फैब्रिक। हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे एंड सबसे पहले नेक के ऊपर सिलाई लगा देंगे। फिर हम फैब्रिक को पलट देंगे एंड पूरे साइड में भी सिलाई इस तरह से लगा देंगे, पूरे आर्म होल में, शोल्डर में, सारे फिटिंग्स में। तो एक पार्ट हमने यहाँ पर इस तरह से बना कर रख दिया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मैंने बैक में चेन लगाई है इस तरह से, क्योंकि हम डायरेक्ट चोली वाला पार्ट फिटिंग करने वाले हैं। तो इस तरह से नेक निकाल कर अस्तर और जो मेन फैब्रिक है वो हमने स्टिच लगा कर ज्वाइन कर दिया है। तो इस तरह से ही आप लोगों को करना है। ये वाला हमारा बैक वाला पार्ट है, ये वाला फ्रंट वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शोल्डर ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर हम एक स्टिच लगा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से एक एक स्टिच लगा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे शोल्डर लग चुके हैं। और अब हम स्लीव्स लगाएंगे, तो स्लीव्स को इस तरह से रखना है एंड 1/2 इंच की मार्जिन से पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। अगर आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर हो सकता है तो बीच में, सेंटर में, शोल्डर के सेंटर में आप 2-3 प्लेट्स डालकर इसे अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये बलून स्लीव्स है, इसलिए रेगुलर स्लीव्स में हम मतलब परफेक्ट हमें कटिंग करनी होती है। तो इस तरह से दोनों साइड हम सिलाई लगा देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से पलट देंगे ये वाला, जब स्लीव्स लग जाएगी एंड इस तरह से हम स्लीव्स को भी पलट देंगे। फ्रंट की तरफ हम इलास्टिक लगाने वाले हैं और यहाँ से हम इसके बॉडी फिटिंग कर देंगे, यानी कि जितना हमने मार्जिन लिया है उतना मार्जिन हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो ऑटोमेटिक हमारी बॉडी के शेप के अकॉर्डिंगली यहाँ से लेकर स्लीव्स से लेकर पूरा हमारी वेस्ट लाइन तक इसकी फिटिंग जो है वो हो जाएगी। तो इस तरह से ये वाला पार्ट हमारा टोटली रेडी हो जाएगा। अब हम नीचे वाला पार्ट रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक लेयर लूँगी जो कि 1 नंबर का आता है। तो यहाँ पर आपको जहाँ जिस साइड मैंने पीको करवाया है आपको वो भी करवाना होगा। तो इस साइड आपको क्या करना है, एक बड़ी टाके वाली सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो इस वाले सारे पार्ट्स में आपको जिस साइड में आपने पीको करवाया उस साइड आपको बड़े टाके वाली सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलाई लगाकर सारे फैब्रिक को गैदरिंग कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से एक धागा खींचकर हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से पार्ट्स को गैदर कर लेना है, यानी कि एक कर लेना है। प्लेट्स डालकर भी ये वाला बना सकते हैं, बट उसका लुक जो है वो अलग जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट के ऊपर ये दूसरा वाला पार्ट रखेंगे इस तरह से। ठीक है, और जो हमारी नीचे वाली साइड है, यानी कि ये फोल्डिंग वाली साइड है, इस साइड में हम ये वाला पार्ट इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट की नीचे की जितनी लेंथ होगी उतनी लेंथ के अकॉर्डिंगली आपको फ्रिल रेडी कर लेनी है गैदरिंग करके इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है, पूरे यहाँ से लेकर जहाँ तक हमारी फ्रिल की एंडिंग आएगी वहाँ तक आपको इस तरह से फ्रिल लगाते हुए जाना है पूरे लाइन में। तो इसी तरह से आपको गैदर करके पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक के ऊपर एक इस तरह से फ्रिल आपको अटैच कर लेनी है। ये 1 नंबर वाली हमारी फ्रिल होगी जो मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, उसके नीचे आएगी ये 2 नंबर वाली फ्रिल। ठीक है, फिर इसके नीचे आएगी 3 नंबर वाली फ्रिल। सेम तरीके से आपको अटैच करना है, वो अलग अलग हम नहीं बता सकते आप लोगों को। तो इस वजह से आपको क्या करना है, यही थेरी अपनों को मतलब आप लोगों को यूज़ कर लेनी है। तो ये दूसरा वाला समझो कि ये अटैच हो गया, तो ये तीसरे वाला में आपको इसी तरह से अटैच कर लेना है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो एक के नीचे एक इस तरह से चारों जो लेयर है हमारे चारों जो फ्रिल है हमारी, उस चारों फ्रिल इस तरह से एक के ऊपर एक रखना है नीचे की साइड में और सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी, चारों फ्रिल हमारे अटैच हो चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा अपर वाला पार्ट लेंगे एंड वो वाला पार्ट जो मेन वाला पार्ट है वो हम इससे अटैच कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, साइड वाला जो पोर्शन है हमारा वो वाला हम क्लोज कर देंगे, यानी कि पूरी फ्रिल तो फ्रिल लगा दी। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर नीचे तक सिलाई लगा देंगे, यानी कि ये टोटल राउंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कर लेना है, उसके बाद हम अपर वाला पार्ट इसमें अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया है कि इस तरह से अपर वाला पार्ट लिया है जो कि हमारा पार्ट रेडी था। अब हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट इसके अंदर इस तरह से रख देंगे एंड इसके ऊपर ये फ्रिल को गैदर कर लेना है आपको यहाँ पर भी। ठीक है, सिलाई डालकर और पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। आप चाहे तो पिंस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद ये कुर्ती जो है वो बिल्कुल भी रेडी हो जाए।